ब्लॉग्स को बनाने का मेंटेन करने का और रेगुलरली पोस्ट करने का एक मकसद पैसे कमाना भी होता है लेकिन ये पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं कैसे आप ब्लॉगर डॉट कॉम को इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कि जो एड्स चलाए आपकी ब्लॉग्स के दरमियान और आप उसके थ्रू पैसे कमाएँ आइए ज़रा थोड़ी सी ब्रीफली नज़र डालते हैं ब्लॉगर डॉट कॉम की एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन पर ब्लॉगर डॉट कॉम अलाउज़ यू कि आप अपने ब्लॉग को इंटीग्रेट कर सकें गूगल एड के अकाउंट के साथ अभी गूगल एडसेंस क्या चीज़ है गूगल एडसेंस बेसिकली इज़ ए प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू गूगल आपसे परमिशन लेता है कि भाई मैं पब्लिशर्स की एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करना चाहता हूँ अब जब भी कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपके ब्लॉग के दरमियान पोस्ट हो रही है तो कोई भी यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा और जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो आपको उस क्लिक के पैसे मिल जाएंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे कई ऐसी दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्पेसिफिकली कि जो महीने का लाखों करोड़ों रुपए गूगल एडसेंस अकाउंट के थ्रू कमा रहे हैं और करते क्या हैं वो जस्ट एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं ब्लॉगो डॉट कॉम पर या अपनी वेबसाइट के ऊपर और गूगल एडसेंस को अथॉरिटी दे देते दे हैं कि आप हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के दरम्यान में या राइट साइड या लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी एड्स को चलाएँ और जब वो एड्स चलती हैं और लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट वेबसाइट स्टार्ट अर्निंग मनी ये कमाई का और अर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका भी है और गूगल एडसेंस को आपने डिटेल में अपने तौर के ऊपर सीखना भी है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ब्लॉगोर डॉट कॉम में किस जगह से आप गूगल एडसेंस के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं और हम जेनेरिकली गूगल एडसेंस के इंटरफेस को भी देखेंगे तो आइए चलते हैं ब्लॉगोर डॉट कॉम में वापस ब्लॉगर डॉट कॉम के मेन इंटरफेस पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो अर्निंग्स का बटन आपको नजर आएगा बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ब्लॉगर डॉट कॉम ने गूगल एडसेंस की इंटीग्रेशन को बनाया है अब जब अगर आपका ब्लॉग नया है जिसका मैंने नया अभी क्रिएट किया है तो आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नज़र आएगी जिस तरह मुझे यहाँ टर्न योर पैशन इं प्रॉफिट लिखा हुआ नजर आ रहा है उसके बाद हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस का बटन आ रहा है जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल टेक मी टू एफेक्ट यूज पेज ऑफ गूगल एडसेंस अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पेज है जिसको आपने अपने तौर के ऊपर गौर से पढ़ना है और देखना है कि इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेसिकली गूगल इज़ ट्राइंग टू टेल यू है कि वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को इंटीग्रेट करने के लिए ब्लॉगर डॉट कॉम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको दरकार है आ, वो एक रिव्यू प्रोसेस से गुजरेगा और रिव्यू प्रोसेस से गुजरने के बाद यू विल बिकम एलिजिबल इन ऑर्डर टू अर्न मनी थ्रू एडसेंस यहाँ आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन में चीज़ लिखी हुई नजर आएगी कि क्या आपकी वेबसाइट एक्टिव है पिछले छः महीनों से और अगर आपने नया ब्लॉग या नई वेबसाइट अभी बनाई है जो छः महीने पुरानी नहीं है तो चांसेस आर के प्रॉबेबली गूगल एड सेंस विल क्योंकि आप अपनी छः महीने तक अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटी करें और उसके बाद दे विल एड योर अकाउंट विद गूगल एडसेंस अगर मैं स्क्रोल डाउन करूँ तो यहाँ मेक मनी विद योर ब्लॉग की एक ऑप्शन आ रही है जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद एक और एफ का पेज खोल जाएगा और इसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर ब्लॉगर के मुताबिक गूगल एडसेंस जो है वो मुझे बता रहा है किस तरीके से गूगल एडसेंस को उसके साथ इंटीग्रेट करना है कैसे एड्स अपनी पोस्ट के दरमियान दिखानी है और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है गूगल एडसेंस रिलेटेड वो सारी की सारी स्टेप बाई स्टेप और आसान तरीके में यहाँ आपके सामने शो हो रही है तो यहाँ अगर आपका अकाउंट नया है तो गूगल एडसेंस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए

अब अगर आपका ब्लॉग जो है वो थोड़ा पुराना है तो जब आप अर्निंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो मे बी यू विल सी ए पेज जस्ट लाइक दिस कि जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल जो नया ब्लॉग है उस पर वो कह रहा है कि हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस जो मेरा पुराना ब्लॉग है उसके ऊपर मुझे वो बता रहा है कि यू कैन साइन अप फॉर एडसेंस स्ट्रेट अवे और वंस आई क्लिक ऑन द साइन अप बटन इट विल टेक मी टू द गूगल एड सेंस इंटरफेस या गूगल एड सेंस प्लेटफॉर्म जहाँ मैं लॉग इन करने के बाद Uh, अपनी वेबसाइट को अटैच कर सकता हूँ गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ और यहाँ अगर मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद लॉग इन करने की कोशिश करूँ तो देन गूगल एडसेंस विल गिव मी एन ऑप्शन इट विल आस्क मी कि वट इज़ योर वेबसाइट और यहाँ ऑटोमेटिकली मेरी जो ब्लॉग है uh, उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वंस आई क्लिक ऑन एक्सेप्ट एसोसिएशन दैन द प्रोसेस ऑफ एडिंग एट सेंस विद ब्लॉगर डॉट कॉम इट विल स्टार्ट अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है काफ़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड है लेकिन ब्लॉगो डॉट कॉम को गूगल एडसेंस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यही चंद स्टेप्स हैं कि जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कभी कभार ये भी होता है कि कुछ ब्लॉग को बनाए हुए आपको पंद्रह दिन हुए हैं लेकिन आप उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं और गूगल आपको अलाउ कर देता है कि जी हम आपके एडसेंस अकाउंट जो है उसको इसके साथ अटैच कर देंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी लेकिन डिफरेंट कंडीशनस हैं मैनुअल रिव्यू है और हर अकाउंट का जो रिव्यू है वो डिफरेंट तरीके से गूगल करता है तो मेरी आपको सजेशन है कि अपने ब्लॉग को मेंटेन करें स्टार्ट करें एंड स्टार्ट हैविंग गुड रीडर्स ऑन ए ब्लॉग और उसके बाद गूगल एडसेंस के अकाउंट के लिए अप्लाई करें उसको इंटीग्रेट करें अपने ब्लॉगो अकाउंट के साथ